बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी हेल्थ टीवी। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा कमाल का नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जो कि कम उम्र में जिन लड़कों लड़कियों के बाल जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं या किसी फ्लू की वजह से वाइट हो जाते हैं, हेयर्स जो फ्लू होता है वो दिमाग में जा के बैठ जाता है जिसकी वजह से जो बालों की रूट्स होती हैं वो वाइट होना शुरू हो जाती हैं और जड़ से ही बाल जो होता है वो वाइट उगना शुरू हो जाता है। तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा पेश करने वाला हूँ आप तमाम अहबाब के लिए। अगर आपकी उम्र की वजह से भी बाल सफ़ेद हैं तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये उन अफराद के लिए है जिनके बाल कम उम्र में ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस नुस्खे को बनाते हैं। इस नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स में आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने लेना है रोगन आरंड यानी के कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये आपको पंसार स्टोर से बासानी मिल सकता है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए है एलोवेरा का जेल, आप एलोवेरा खालिस ले सकते हैं। मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक वीडियो क्रिएट करने के तौर पर मैं ये एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये फेक एलोवेरा का जेल ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने प्योर लेना है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए दोस्तों अनियन वाटर, अनियन जूस आपने निकालना है, प्याज का पानी, खालिस प्याज, ठीक है, ये देखिए मैंने बिल्कुल खालिस प्याज का पानी निकाला हुआ है। और लास्ट में आप लोगों को चाहिए एक अंडे की सफ़ेदी, जर्दी को निकाल लीजिए, अंडे की सफ़ेदी आप लोगों को चाहिए। तो आइए चलते हैं इस नुस्खे को बना लेते हैं। दोस्तों ये अनियन जूस जो होगा सबसे पहले हम ये पूरा लेंगे क्योंकि अनियन जूस जो है वो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हम अंडे की जो सफ़ेदी हमने निकाली है ये भी हम पूरी इसमें ऐड करेंगे। ये एक मैं आपको बहुत अच्छा एक सीरम बताने वाला हूँ, हेयर सीरम, कैस्टर ऑयल करीबन 1.5 चम्मच और लास्ट में 1/2 टीस्पून आपने एलोवेरा का जेल, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1/2 टीस्पून। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। दोस्तों आपके सामने बहुत कमाल की चीज़ बन चुकी है, ठीक है, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर अनियन जो जूस है वो मैंने तकरीबन 1/2 कप लिया है, ठीक है। आपने, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं इस चीज़ को, इस नुस्खे को, इस सीरम को, तो आप कम से कम 1 कप जो पूरा है वो आप अनियन जूस का लें, फिर इसके बाद मकदारें सेम रखिए, मकदारों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं, मकदारें ये सेम रखनी है बाकायदा, ठीक है। तो इसके बाद स्प्रे बॉटल में इसको कन्वर्ट करके फिर इसको आप अपने हेयर पर रात को स्प्रे करिए, अच्छे से मसाज करिए क्योंकि स्प्रे करने से आपके बालों की जड़ों में डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको फिंगर टिप्स के साथ आप मसाज करिए और इसको छोड़ दीजिए, सुबह जब आप उठेंगे अपने बालों को वॉश करें, इंशाल्लाह 15 to 16 days करने से आपके जो वाइट हेयर्स हैं वो आपके ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, इंशाल्लाह गारंटी से मैं बात कह सकता हूं क्योंकि बहुत फेमस एक नुस्खा है, ठीक है। आप इसको आजमा कर अपने वाइट हेयर्स को ब्लैक कीजिए और हर उस बंदे से शेयर करिए जिसके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हैं कम उम्र में ही। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, भरपूर फ़ायदा उठाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।